हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन जैन एक बार फिर आपके अपने चैनल से और पाठशाला पर आपके लिए हाजिर हूं। जैसा कि मैंने आपको अपनी दो वीडियोस में एरर वाली और फ्लक्स वाली में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने ये भी कहा था कि ये वो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं खाली यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे बैंक हो, CDS हो, SCRA हो, FCAT हो, रेलवे हो, रेलवे SCRA हो, कई तरह के एग्जाम्स होते हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चंस दे भी दिए थे ताकि आप उनको नोट कर लें। और ये भी कहा था कि इस वीडियो को क्या होगा, डिस्कशन की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, इसमें आप अपनी क्वेरीज देख सकते हैं कि आप कितने सही हैं, कितने होशियार हैं, कितने गहरे पानी में हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रिंदा बैंक से। पहले स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन किससे स्टार्ट करते हैं? फ्रिंदा रैंक से। पहला क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, द कस्टम ऑफिसर्स ब्लैंक गोल्ड वर्थ ₹1 करोड़ फ्रॉम द स्मगलर। अब कस्टम ऑफिसर होगा तो वो स्मगलर से जो 1 करोड़ रुपए क्या करेगा? स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीनना। क्या होता है? छीनना। तो छीनेगा तो है नहीं वो। दूसरा है कैप्चर्ड। कैप्चर्ड का मतलब कब्जा करना। कब्जा करना, छीनना, ये इलीगल वर्ड है। बट ही इज एन ऑफिसर, वो क्या है? एक ऑफिसर है और ऑफिसर कभी गलत काम नहीं करेगा, इलीगल नहीं करेगा काम। ठीक है, मूव्ड। मूव्ड का मतलब होता है मूव से बनाया, भीड़ से, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना, और जब्त करना एक लीगल वर्ड होता है। जैसे पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं चीजों को, ऑफिसर जब्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका डी होगा, कस्टम ऑफिसर ने 1 करोड़ रुपए का माल, वो सोना, इस स्मगलर से क्या कर लिया? जब्त कर लिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सेकंड क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपने साथ का आपका सही होगा। कैन एनीथिंग, क्या कोई चीज ब्लैंक अ मदर्स लव, माँ के प्रेम को अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है? क्या कोई चीज माँ के प्रेम को अपने बच्चे के लिए क्या एक्सचेंज कर सकती है? क्या माँ का प्रेम जो है वो किसी बच्चे के प्यार के लिए एक्सचेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। माँ के प्रेम की जगह कोई नहीं ले सकता। कंपनसेट, क्षतिपूर्ति कर सकती है। सपोज को किसी माँ गुजर जाए किसी हादसे में किसी की वजह से, तो क्या आप उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रिप्लेस, थोड़ा इमोशनल सेंटेंस है ये, इसको इमोशनली सोचिए। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है कि माँ की जगह कोई और स्थान ले सकता है क्या? और डिस्प्लेस होता है हटा देना, तो उसका आंसर क्या होगा? रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब उनकी जगह ले सकता है, सेंटेंस के सेंस से निकलेगा। क्या कोई और चीज माँ के प्रेम की जगह ले सकता है? नहीं। आंसर क्या होगा? सी। कि एक अर्थ क्या हो जाएगा, क्या कोई चीज माँ के प्रेम को एक्सचेंज कर सकता है? गलत। क्या कोई चीज माँ के प्रेम की क्षतिपूर्ति कर सकता है? गलत। क्या कोई चीज माँ के प्रेम को रिप्लेस कर सकता है, उसकी जगह ले सकता है? इसलिए आंसर क्या होगा? सी। और डी का अर्थ हो जाएगा डिस्प्लेस, उसको हटा देना। नंबर थर्ड है, हिज इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसका जो इंटरेस्ट है ह्यूमन बिहेवियर के अध्ययन में इज इंडीड, वास्तव में क्या है? बहुत स्ट्रांग है, डीप है, ब्रॉड है या वास्ट है? स्ट्रांग, डीप, ब्रॉड, वास्ट। अब आप सोचिए कि इंटरेस्ट किसी भी चीज में हमारा क्या स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है? नहीं। डीप, गहरा होता है, कितनी उसे गहन रुचि है, गहन अध्ययन है, तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका डीप होगा। ब्रॉड भी नहीं होगा। ब्रॉड का मतलब इंटरेस्ट, उसका जो ह्यूमन बिहेवियर में जो इंटरेस्ट है वो बड़ा है, व्यापक है। गलत। और वास्ट का अर्थ भी क्या होता है? बड़ा। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया इसमें? डीप। उसका जो इंटरेस्ट है इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इंडीड वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉरी डीप। नंबर फोर, अ ग्लू प्रोड्यूस्ड बाई बीज, मधुमक्खियों द्वारा जो ग्लू प्रोड्यूस किया जाता है उनके हाइब्स को बनाने के लिए, क्या करने के लिए? हाइब्स होता छत्ता। एपियर्स, उसमें क्या होते हैं? एंटीबायोटिक सब्सटेंस होते हैं। तो जो ग्लू जो मधुमक्खियों द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है छत्तों को क्या करने के लिए, छत्तों को कलेक्ट तो करेंगे नहीं, छत्ता अपने आप में क्या होता है? कलेक्ट होता है। ऑलरेडी छत्ता चीज़ों से एब्जॉर्ब करके बनाया जाता है, कई चीज़ों को कलेक्ट करके बनाया जाता है, तो छत्ता तो ऑलरेडी स्टोरेज में आता है, तो कलेक्ट तो होगा नहीं। डिज़ाइन थोड़ी आएगा। डिज़ाइन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कोई घर थोड़ी है तो डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई पार्टी वार्टी थोड़ी हो रही है मधुमक्खियों की, इससे डिज़ाइन आएगा। बिल्ड, छत्ता क्या होगा? बिल्ड होगा। जो ग्लू जो प्रोड्यूस किया जाता है मधुमक्खियों द्वारा
भाई जो मधुमक्खी प्रोड्यूस करती हैं ग्लू, उसी जो छत्ता बनाया जाता है, बिल्ड किया जाता है, इससे आंसर क्या होगा इसका? बिल्ड, डेकोरेट तो बिल्कुल नहीं होगा, सयाना नहीं है, शादी वादी नहीं छत्तों में, छत्तों छत्ता कोई घर थोड़ी है। नेक्स्ट है नंबर 5, फ्रीडम इज नॉट अ ब्लैंक बट अवर बर्थ राइट। स्वतंत्रता क्या नहीं है? अब स्वतंत्रता अभिशाप तो होगी नहीं, स्वतंत्रता अभिशाप हो सकती है क्या? हाँ, गुलामी अभिशाप है, स्वतंत्रता अभिशाप नहीं है। स्वतंत्रता गिफ्ट है, गिफ्ट नहीं है, अवर बर्थ राइट है, गिफ्ट वो होती है जो हमें मिलती है, मगर बर्थ राइट हम मिलती नहीं, वो हमारा अधिकार होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? गिफ्ट। स्वतंत्रता कोई गिफ्ट नहीं है, ये क्या है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई गिफ्ट नहीं दे रहा हमको, ये हमारे पास ऑलरेडी है, जो चीज हमारी है वो हमारी गिफ्ट कहाँ हुई? वो तो हमारी, वो ही अधिकार हो गया हमारा। और फार्स, फार्स का मतलब होता है मजाक, कॉमेडी है, नहीं, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति है कोई स्वतंत्रता? गलत। आंसर क्या होगा? गिफ्ट। ओनली दोज हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स, केवल वो जिन्होंने कंप्लीट किए 18 साल, आर ब्लैंक टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। वो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या होंगे? कुछ लोगों ने इलेक्टेड लगा दिया हुआ, इलेक्टेड लगाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, सिलेक्टेड नहीं हो सकता, कुछ लोगों ने सिलेक्टेड लगाया हुआ, क्यों? पोस्ट दिख रहे हैं, मगर ये दिख रहे हैं कि उन्होंने अभी क्वालिफिकेशन मांगी है, कि जो 18 साल के हैं पहले, तो अब जब किसी पोस्ट पर, किसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आप उसके सिलेक्ट हो चुके हैं? जब सिलेक्ट ही हो चुके हैं तो अप्लाई क्यों करेंगे उस पोस्ट के लिए? इसका मतलब क्या है? ना सिलेक्ट है, ना इलेक्ट है। आंसर क्या होगा? एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब योग्य है, देखा है, ही इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और लेजिबल का मतलब होता है पठनीय, मतलब पढ़ने योग्य। अब पढ़ना योग्य तो आप जानते हैं कि जो 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं वो पढ़ने योग्य है इस अप्लाई की फॉर दिस पोस्ट, सेंस ही नहीं आ रहा कोई। नंबर 7, द पार्टी फेल्ड, पार्टी क्या हो गई? फेल्ड हो गई टू क्या करने में? एंड ऑफ वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स वो होते हैं जो बिना पैसे के अपनी सेवा देते हैं, टू ब्रिंग इट्स ट्रेडिशनल वोटर्स, इट्स अपने ट्रेडिशनल वोटर्स को, जो उसके परंपरा वोटर्स थे उनको पोलिंग बूथ पर लाने पर। जैसे देखा होगा इस बार भी आपने, कैसे जो चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उनमें कैसे ट्रेडिशनल वोट भी उन पार्टियों का नहीं रहा जिनको वो रहता था हमेशा, तो वो पार्टियां क्या हो गई? फेल हो गई हैं। तो क्या करने में? पार्टी फेल्ड हो गई, वॉलंटियर्स को क्या करने, मैनेज करने में? ये कोई व्यवस्था थोड़ी है जो कोई, जिनको आप मैनेज करेंगे वोटर्स को, मैनेज तो उनको किया जाता है जो उजड़ होते हैं। सपोज करिए जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैनेज करेंगे, वो इधर उधर भागेंगे, उनको मैनेज करेंगे? कलेक्ट कोई चंदा थोड़ी है जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वोटर्स को, वोट कलेक्ट, वोट भी वोट कलेक्ट हो सकते हैं एक बार को, बट वोटर्स कलेक्ट थोड़ी होंगे। एलिजिबल, सॉरी मोबिलाइज, क्या आंसर होगा? मोबिलाइज आंसर होगा इसका, ठीक है। मोबिलाइज का मतलब होता है इकट्ठा करना, मोबिलाइज मतलब इधर उधर भेजना, आपने देखा होगा मोबाइल एक्शन, चलते फिरता एक्शन, मोबिलाइज का मतलब क्या होता है? अब इसका नाम मोबाइल क्यों है? सेल फोन को मोबाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर्फ पोर्टेबल होता है, चलते फिरते कहीं भी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे क्या हो गया, जो पार्टी थी वो फेल हो गई वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करने में। कोई वॉलंटियर्स ही तो होते हैं जो पार्टी कार्यकर्ता, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, वही तो वोटर्स को लेके आते हैं। तो पार्टी क्या हो गई, उनको मोबिलाइज नहीं कर पाई, मगर इधर उधर नहीं भेज पाई वॉलंटियर्स को, ताकि वो उनके ट्रेडिशनल वोटर्स को उनकी जगह ला सके। क्योंकि किसी पार्टी का जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो उससे कौन होते हैं? वॉलंटियर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जो बिना किसी पैसे के, निस्वार्थ भाव के अपनी सेवा देते हैं। नंबर 8 है, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस ही सेड। उसने कहा अपने काम से काम रखो। अब इंसान कह रहा है अपने काम से काम रखो, तो मीकली कहेगा क्या? मीकली मतलब पोलाइटली नहीं, वो कह रहा है अपने काम से काम रखो, तो उसने विनम्रता से कहा ही नहीं होगा, हैवीली जोर से कहा। अब कहते हैं अपने काम से काम रखो, ये जोर से नहीं कहा, इसे कहते हैं शार्पली, एकदम साफ अंदाज में कह दिया उसने कि अपने काम से काम रखो। कहते हैं कॉल स्पेड स्पेड, एकदम मुंह पे बोल देना कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। और क्लमसीली भद्दे तरीके से, अब भद्दे तरीके से होता, अगर कोई देसी लैंग्वेज यूज करता अपने काम से काम रख, तो ये होता भद्दे तरीके से,
धमकी लगता है, मगर माइंड योर ओन बिजनेस थोड़ा स्ट्रॉन्गर लगता है, इसलिए क्या लगाएंगे इसमें आप शार्पली एकदम बेधड़क कह दिया उसने कि अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट है वुड एनीबडी, क्या कोई ब्लैंक अ मदर हैव रिस्क्ड हिज और हर लाइफ फॉर द बेबी। ये वुड एनीबडी सेंटेंस अलग है और फिर एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहां पर कंजक्शन लगाना है। तू कह रहा है क्या कोई और, क्या कोई और नहीं, परंतु एक माँ अपने बच्चे के जीवन के लिए अपना बलिदान दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कंपैरिजन हो रहा है, क्या कोई और करेगा ऐसा, वुड एनीबडी। फिर कह रहा है बट, परंतु अ मदर हैव रिस्क्ड हिज और हर लाइफ फॉर द बेबी, रेदर आएगा नहीं, रेदर कंपैरिजन के लिए आता है, हाउएवर करते हुए जाएगा, क्या कोई और फिर भी अपनी माँ अपने बच्चे के लिए बलिदान दे देती, गलत सेंस ही नहीं आ रहा फिर भी का। और देन का अर्थ से, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बट, क्या कोई और नहीं, परंतु एक माँ अपने बच्चे के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देती है। नंबर 10, आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। ठीक, तो यहां पर क्या है आपका एग्री के साथ क्या होता है कि टू आता है, क्या आता है एग्री के साथ टू आता है, क्या आता है टू, कब आता है जब आप किसी प्रपोजल से सहमत हो, किसी एक्टिविटी से सहमत हो, किसी बात से सहमत हो, तो एग्री के साथ टू आता है। अदरवाइज जो एग्री के साथ आता है आपका, एग्री के साथ विद आता है, एग्री के साथ टू आता है और एग्री के साथ ऑन आता है। कंडीशंस होती हैं, विद किसी इंसान के लिए आता है, किसी ह्यूमन के लिए, किसी इंसान सहमत होंगे तो बिताएगा, किसी प्रपोजल या एक्टिविटी या किसी बात से सहमत होंगे, प्रपोजल एक्टिविटी तो आपका टू आएगा, और किसी पॉइंट पर सहमत होंगे, किसी पॉइंट पर सहमत होंगे तो एग्री के साथ क्या आता है ऑन आता है, क्या आता है ऑन। ठीक, क्लियर, सही में आ गया आपको, उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आई कांट एग्री टू योर प्रपोजल। मगर इसमें अच्छी बात यह है, खैर छोड़िए, खैर आपको बताऊंगा तो आपको फिर अच्छा लगेगा, आपका फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है 11, वी वेटेड एट द बस स्टॉप, द बस केम, ब्लैंक द बस केम, हमने बस स्टॉप पर इंतजार किया, ब्लैंक द बस केम। अब इसमें क्या है, हमने बस स्टॉप पर इंतजार किया जब तक कि बस नहीं आ गई, तो अंटिल आएगा इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, वी वेटेड एट द बस स्टॉप अंटिल द बस केम, अनलेस का अर्थ था यदि नहीं, कुछ लोगों ने अनलेस लगा दिया होगा, और अनलेस का सेंस निकलेगा नहीं यहाँ पर, हमने बस स्टॉप पर इंतजार किया, यदि नहीं बस आ गई तो गलत हो जाएगा आंसर, इसलिए आंसर आपका क्या होगा सी। ठीक, नेक्स्ट है डू यू थिंक यू ब्लैंक मी समवेयर बिफोर, क्या तुम सोचते हो कि तुमने मुझे पहले कभी कहीं क्या हुआ देखा है या देखा था। अब आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट में, तो पास्ट में तो वैसे भी नहीं होगा, तो आपका ए हट गया, सी हट गया, डी हट गया। कई बार क्या है आप हॉपलेस हो जाते हैं कि कौन सा आंसर इतना टफ है पेपर, तो कम से कम ये दिखा करिए पहले कौन सा नहीं हो सकता है, अगर आपको आंसर श्योरिटी चाहिए तो पहले ये देखिए कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, इससे क्या है आपको आंसर लगाने में क्या रहेगी आसानी रहेगी, और मिनिमम 2 या 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे कि आपके आराम से हट जाएंगे, आपको आंसर लगाने में आसानी हो जाएगी। अपने आपको, आपको कोई वो नहीं समझना है सूरमा है, आपको क्या नॉर्मल समझना है, आपको बस क्या अपने आपको ऐसा बनाए रखना है ताकि बस हम जो काम करें वो आराम से हो जाए। कई बार हमारी सोच बहुत हाई हो जाती है और फिर जब चीज़ें मिलती नहीं है ना तो हम होपलेस हो जाते हैं, इसलिए बी नॉर्मल एंड थिंक नॉर्मली। ठीक, नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई अंकल डिजायरेड टू टेक ब्लैंक एंड माई सिस्टर टू द मार्केट। तो सीधी बात है आई तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि आई का प्रयोग आई सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट कई वर्ब के बाद नहीं आता, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। माई, माई अकेला नहीं आएगा आपका, क्योंकि माई एक कायर सिंह है, आपको मालूम है माई क्या है कायर सिंह, और कायर सिंह कभी अकेले नहीं आते, उनके साथ कोई ना कोई क्या आता है नाउन आता है, इसलिए आंसर आपका माई भी नहीं होगा। रही बात माई सेल्फ की, कुछ लोगों ने सोचा होगा माई सेल्फ आ जाएगा कि आगे माई लिखा है, आपको बता दूं
माई अंकल जो है यहाँ पर, वो माई अंकल थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग माई सेल्फ नहीं आता, माई सेल्फ आता है सिर्फ आई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आंसर क्या बचा आपका? मी। आंसर क्या हो जाएगा? मी। मेरे अंकल ने निश्चय किया ले जाने का मुझे और मेरी बहन को टू द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ वुमेन केम इन, एक महिला अंदर आई विद अ बेबी, एक बच्चे के साथ, हु, जिसने, सी सैड, इसी सैड आपको कंफ्यूजन करने के लिए लगा दिया है। उसने कहा कि हु किसके लिए आ रहा है? सेफ्टी पिन से बुलेंग के लिए। जिसने क्या किया? स्वेलोड अ सेफ्टी पिन, जिसने सेफ्टी पिन निकल लिया। अब सपोज करिए एक महिला बच्चे के साथ अंदर आई, उसने सेफ्टी पिन निकल लिया। अब बच्चा तो महिला के साथ ही था ना, तो ये थोड़ी होगा कि बच्चा, वो महिला बच्चे के साथ आई, उसने सेफ्टी पिन निकल लिया, अच्छा ही लग रहा, और सेंस और लग रहा है। एक महिला एक बच्चे के साथ अंदर आई, उसने सेफ्टी पिन निकल लिया। किसने कहा? उस महिला ने कहा कि सेफ्टी पिन निकल लिया। बी आंसर है इसका। देखिए, एक महिला अंदर आई बच्चे के साथ, जिसने अभी सेफ्टी पिन निकल लिया हाल ही में। और सी वाला हो नहीं सकता क्योंकि तो हेड के साथ जस्ट नहीं आता, पास्ट इंडेफिनिट जस्ट का यूज करते हैं। और वॉज जस्ट सेविंग का मतलब हो जाएगा एक महिला बच्चे के साथ अंदर आई, जिसको उसने कहा कि पिन निकल रहा था हाल ही में। गलत। अब आंसर या तो ए है या बी है। ए और बी दोबारा बोलता हूं मैं। एक महिला अंदर आई एक बच्चे के साथ, जिसने हाल ही में सेफ्टी पिन निकल लिया, या जिसने सेफ्टी पिन निकल लिया। आंसर होगा इसका क्या? बी, जस्ट सेलोट। नंबर 15 है, ही इज द फ्रेंड आई ट्रस्ट मोस्ट। ही इज द फ्रेंड आई ट्रस्ट मोस्ट। तो ही इज द फ्रेंड, वह दोस्त है जिस पे मैं विश्वास करता हूं। विश्वास कौन करता है? मैं। किस पे करता हूं? उस फ्रेंड पे। वो हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए यहाँ पर, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए, और रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होता है? कंजक्शन होता है। क्या होता है? कंजक्शन। तो आंसर इसमें कौन सा है? तीन ही कंजक्शन है, होम, विच, हु। तो यहाँ पर विच तो नॉन लिविंग के लिए आता है, तो विच तो हुआ नहीं, क्योंकि विच यहाँ फ्रेंड है और विच नॉन लिविंग के लिए आता है। हु सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद आई कैसे आ सकता है वहां पर? हु के बाद आई कैसे आ सकता है? इसलिए आंसर क्या होगा? होम आई ट्रस्ट मोस्ट। होम क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? विश्वास तो मैं कर रहा हूं, और जिस पे कर रहा हूं वो कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। करता जो क्रिया करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है, क्या होता है? कर्म। ठीक,